अलावा पुलिस ने दो अवैध देसी कट्टों के साथ परिवहन करने पर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी संतोष पर पूर्व में भी चार मामले अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं। बड़वा पुलिस ने यात्री बस जो खंडवा से आ रही थी, उस बस में देशगांव से एक यात्री बैठा था, जिसके पास से एक खाली थैली में दो अवैध देसी कट्टे पिस्टल पुलिस जवानों ने जब्त किए। यह कार्रवाई नर्मदा रोड एक निजी होटल के सामने की गई। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर हुई। पुलिस द्वारा आरोपी से दो पिस्टल रखने के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ की गई। युवक ने लाइसेंस नहीं होना बताया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संतोष उर्फ संतोषी, पिता गिरवर सिंह कुशवाहा, उम्र 47 वर्ष, निवासी चिन्नौर करेरा थाना बागचीनी जिला मुरैना का होना बताया है। आरोपी संतोष पर धारा 25 से आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी संतोष पर पूर्व में अलग अलग थानों पर करीब 4 मामले पंजीबद्ध हैं। ये देखना मेरे साइड की लगी फोटो। जब देखो जब ये मुखबिर की सूचना पर जो प्रभात बस है, करीब 10:30 बजे जब ये पंचवटी ढाबे के सामने से हाईवे पर निकल रही थी, तब इसको चेक किया गया। इसमें एक मुरैना थाना बागचीनी के ग्राम करेरा का रहने वाला संतोषी और संतोष कुशवाहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है दो देसी पिस्टल के साथ में। पूछताछ पर आरोपी के द्वारा बताया गया कि देसी पिस्टल वो सिगनूर गांव है, गोगांव थाना क्षेत्र में, वहां के सिकलीगढ़ों से लेकर के आया है और अलीगढ़ में किसी व्यक्ति को उसको देता है। और इसके पहले भी वो 2 से अधिक मामलों में देसी पिस्टल कट्टों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। एक बार गोगांव थाने में भी गिरफ्तार हुआ है, थाना बागचीनी और मुरैना के सिविल लाइन कोतवाली दोनों थानों में गिरफ्तार हो चुका है। विवेचना की जा रही है प्रकरण पंजीबद्ध करके। श्रीमान एसपी साहब ने निर्देश दिए थे कि आपके थाना क्षेत्र से जो बसें निकलती हैं उनमें सिगनूर से बैठ करके कट्टे लेकर के लोग जाते हैं, जिसके ऊपर से कार्रवाई की गई है।